करांगे सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले की। मामले के नाल जुड़ी वड्डी खबर सामने आ रही है, मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह और सिद्धू मूसेवाला कतल मामले के विच नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों वड्डा खुलासा किया गया, यानी कि NIA द्वारा वड्डा खुलासा किया गया। मूसेवाला के कतल के लिए पाकिस्तानी व्यक्ति ने हथियारों की सप्लाई की थी, तो उत्थे ही NIA मुताबिक दुबई के रहने वाले हामिद ने हथियार सप्लाई किए सन। सो वड्डी अपडेट सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले नाल जुड़ी हुई तुहाडे नाल साझी कर रहे हैं। सो मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला कतल मामले के NIA वालों वड्डा खुलासा किया गया। मूसेवाला के कतल के लिए पाकिस्तानी व्यक्ति ने हथियारों की सप्लाई की, NIA मुताबिक दुबई के रहने वाले हामिद ने हथियार सप्लाई किए सन। सो जिस हिसाब के नाल तफ्तीश होर डूंघाई तरीके इस पूरे मामले की जा रही है, होर भी परतां खुलदियां हुई नज़र आ रही ने। नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत बरीकी पद्धर से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस दे विच वड्डा खुलासा होया। NIA मुताबिक दुबई दे विच रहने वाले हामिद ने हथियारों की सप्लाई की, क्योंकि वो जिहड़े वैपन वरते गए सी जिस दे नाल सिद्धू मूसेवाला का कतल किया गया, गोलियां मारियां गई। हालांकि खर्चे काफ़ी ने, लेकिन हरेक पक्ष तो इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। सो मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले के NIA ने वड्डा खुलासा किया। जानकारी मुताबिक कतल के लिए पाकिस्तानी व्यक्ति ने हथियारों की सप्लाई की, दुबई के रहने वाले हामिद ने हथियार सप्लाई किए सन। सो जिस हिसाब के नाल सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले तो बाद परत जी खुलती हुई नज़र आ रही है, तो उस तो बाद अहम खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत डूंघाई तरीके इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरा मामला। हालांकि परिवार द्वारा भी इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, तो दूसरे पास जेकर गल की जाए तो एजेंसियां लगिया हुई ने कि आखिर पूरा मामला कितों किमें शुरू होया, या फिर कह लिए कि हथियारों की सप्लाई कितों शुरू हुई, किने करवाई। तो इस तहत ही जो जानकारी है NIA मुताबिक दुबई के रहने वाले हामिद ने हथियारों की सप्लाई की। इस दे नाल ही मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला दिल्ली तो फोनलाइन से जुड़े ने। मनीष, क्या जानकारी है जो सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है हथियारों की सप्लाई को लेकर? जी हाँ बिल्कुल, देखिए आपको पता है कि NIA जो गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनका जो नेटवर्क है उसकी जांच कर रहे हैं। तो 2022 में यानी पिछले साल दिसंबर में बुलंदशहर से NIA ने एक आर्म्स डीलर को गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ हुई थी और उसके बाद उसने ये खुलासा किया कि दरअसल वो दुबई गया था, दुबई में उसने एक शख्स के संपर्क में आया था और उस शख्स ने हामिद नाम के पाकिस्तानी युवक से मिलवाया था जो कि हथियारों का डीलर था। और उस दौरान वहां बैठक की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि उसको पाकिस्तान की तरफ से हथियार मिलेंगे। और NIA के पास से जानकारी आ रही है कि जो हथियार सप्लाई किए गए वो हथियार मुहैया कराया गया गैंगस्टर्स के पास और उन्हीं गैंगस्टर्स की तरफ से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, जैसा कि हमने CCTV फुटेज भी देखा था कि किस तरीके से दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। ये अपने आप में बड़ा खुलासा है। हालांकि ये हथियार कैसे आए, कैसे पंजाब तक पहुंचे, इस बारे में बहुत चीजें साफ नहीं है, लेकिन ये समझ में आता है कि वो जो हामिद नाम का शख्स था जो पाकिस्तानी था, उसने ड्रोन्स के जरिए पंजाब का जो पाकिस्तान से सटा बॉर्डर है वहां पर हथियार उससे भिजवाए होंगे और ये हथियार जो गैंगस्टर्स हैं उन तक पहुंचा गया होगा और ये हथियार यूज किए गए। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी गैंगस्टर्स इस वक्त पंजाब में हैं, हम सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की बात ना करें, जो भी पंजाब में टारगेटेड किलिंग हुई पिछले दिनों, जिस तरीके से लगातार पंजाब के अंदर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, ये सारे जो हथियार हैं, इसके मैक्सिमम हथियार हैं, ये पाकिस्तान से पंजाब के अंदर भेजे गए हैं, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है बुलंदशहर या वेस्ट UP के जो हथियार तस्कर हैं उनके जरिए भी कुछ गैंगस्टर्स को ऐसे हथियार मिले हुए हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि किस तरीके से दुबई जैसे जगहों पर गल्फ के देशों में मीटिंग हो रही है भारत के खिलाफ और वहां पर जो भारत के क्रिमिनल्स हैं उनको किस तरीके से उनका यूज करना है वाया गल्फ और भारत के अंदर, खासकर पंजाब के अंदर इस तरीके से एक्टिविटीज को अंजाम देना है। जी ठीक है, ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।